अस्सलाम वालेकुम क्लास आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लोजिंग एंट्रीज के बारे में है इस लेक्चर में हमने देखना है कि क्लोजिंग एंट्रीज क्या होती हैं और फिर हमने फोर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोजिंग एंट्रीज देखनी है और फिर आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाना सीखना है और हम इसमें चैप्टर फाइव से मिक्स इंड मिक्स की एक बुक से दो प्रॉब्लम्स कवर करेंगे 5.2 ए जो कि बताता है अगर कंपनी प्रॉफिट बनाती है तो उससे रिलेटेड क्लोजिंग एंट्रीज कैसे होती हैं और फिर हम करेंगे प्रॉब्लम 5.3 ए जो ये बताता है कि अगर कंपनी लॉस बनाती है तो फिर उससे रिलेटेड क्लोजिंग एंट्रीज क्या क्या होती हैं और उसको हम किस तरह से एडजस्ट करते हैं सो क्लोजिंग एंट्रीज क्लोजिंग एंट्रीज आर द जर्नल एंट्रीज सबसे पहली बात तो ये कि दिस इज जस्ट लाइक जर्नल एंट्रीज वही डेबिट क्रेडिट के रूल्स होते हैं मेड एट द एंड ऑफ द पीरियड और ये बनाई कब जाती है जब आपका साल खत्म हो रहा होता है अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा होता है तो हम ये बनाते हैं और इसका जो मेन पर्पस होता है द पर्पस ऑफ क्लोजिंग

और जो हमारा टेम्प्रेरी अकाउंट्स का बैलेंस होता है यानी रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का जो नेट आता है इफेक्ट या प्रॉफिट या लॉस उसको हम रिटेन में क्लोज कर देते हैं और डिविडेंड्स को भी हम रिटेन में क्लोज कर देते हैं इसी वजह से हम इसको क्लोजिंग एंट्रीज कहते हैं अच्छा किस चीज में क्लोजिंग हम रेवेन्यू या एक्सपेंसेस को क्लोज करते हैं रेवेन्यू या एक्सपेंसेस को हम इनकम समरी अकाउंट में क्लोज करते हैं इनकम समरी अकाउंट क्या होता है समरी अकाउंट इन टू विच रेवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट यानी होता है तो हम हैं द बैलेंस दैट इज क्रेडिट बैलेंस फॉर नेट इनकम एंड अ डेबिट बैलेंस फॉर अ नेट लॉस इज देन ट्रांसफर टू द रिटेन अर्निंग अकाउंट और फिर हम थर्ड एंट्री क्या बनाते हैं कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को हम किस में क्लोज कर देते हैं रिटेन अर्निंग अकाउंट में यानी इनकम समरी हम बनाते हैं और उसको हम रिटेन अर्निंग में क्लोज कर देते हैं और फिर हमारे पास डिविडेंड भी रह जाता है और फिर हम डिविडेंड को भी रिटेन अर्निंग में क्लोज कर देते हैं वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कैसे करते हैं और फिर उसके बाद हम क्लोजिंग एंट्रीज के बाद हम बनाते हैं आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड आफ्टर ऑल क्लोजिंग एंट्रीज हैव बीन मेड यानी कि वो जो चार क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं जब हम वो बना लेते हैं तो उसके बाद हम आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं कंसिस्ट ओनली ऑफ अकाउंट फॉर एसेट्स लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी अभी आपको बताया कि जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस और रेवेन्यू uh, एक्सपेंसेस और डिविडेंड्स होते, होते हैं ये आपके टेम्प्रेरी अकाउंट्स होते हैं ये क्लोज हो जाते हैं इनकम समरी में और अल्टीमेटली रिटेन अर्निंग में तो क्लोज होने का मतलब है कि अब ये नो लॉन्गर अवेलेबल होते है यानी कि ये या अब आपको Uh, मौजूद नहीं होते इसी वजह से जब आप आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो अब आप देख लीजिए कि आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में आपके पास क्या होता है एसेट्स लाइबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी होती है इस ट्रायल बैलेंस की खास बात यह है इसमें रेवेन्यू एक्सपेंसेस और क्या चीज नहीं होती डिविडेंड जिसमें मौजूद नहीं होते हम फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोजिंग एंट्रीज बनाते हैं नंबर क्लोज रेवेन्यू अकाउंट इनकम समरी सबसे पहले हम रेवेन्यू को क्लोज करते, करते, करते हैं और तीसरी एंट्री जो इनकम समरी होती है वन एंड टू में इसको हम रिटेन अर्निंग्स में क्लोज कर देते हैं और लास्ट में हम डिविडेंड्स को रिटेन अर्निंग्स में क्लोज कर देते हैं ये तमाम टेम्परेरी अकाउंट्स होते हैं और इनको हम रेडी कर रहे होते हैं फॉर द नेक्स्ट पीरियड अकाउंटिंग के लिए अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि अब हमारे पास जो हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते हैं जैसे मैं आपको लिंक शेयर करा दूंगी उसमें हमने पढ़ा था कि एडजस्टिंग एंट्रीज कैसे बनाते हैं फिर हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया था तो जो कि हमने प्रॉब्लम नंबर 4.4a 5a 6a और 7a में किया था वही एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आपको गिवन होगा और उसकी मदद से आपने टेम्प्रेरी अकाउंट्स यानी कि आपके पास होंगे रेवेन्यू एक्सपेंसेस और डिविडेंड्स इनको हम क्लोज कर देंगे यानी कि ये जो ग्रीन में हाईलाइट हुआ हुआ नजर आ रहा है डिविडेंड रेवेन्यू और एक्सपेंसेस इनको हमने क्लोज करना है और जब हम क्लोज कर देंगे फाइनली तो हम क्लोजिंग एंट्रीज बनाएंगे अब आप देख लीजिए रेवेन्यू की क्लोजिंग एंट्री हम बनाएंगे और रेवेन्यू की क्योंकि रेवेन्यू बाय नेचर क्लोज होता है तो इसको हमने खत्म करना है तो इसको हम कहां पे लिख देंगे? लिख देंगे देंगे डेबिट में बिल्कुल इसी तरह आ, ये अकाउंट है अब आप देख लीजिए कि डेबिट और क्रेडिट दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो फिर बैलेंस ना जाएगा यानी ये रेवेन्यू क्रेडिट था अब जब हमने इसको इनकम समरी में क्लोज किया तो इसको हमने डेबिट कर दिया और डेबिट डेबिट दोनों बैलेंसेस रेवेन्यू लेजर के जीरो आ रहा है इसका मतलब है रेवेन्यू क्लोज हो गया खत्म हो गया इसका कोई बैलेंस नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट पीरियड कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा बिल्कुल इसी तरह अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस बाय नेचर डेबिट होते हैं क्लोज करने के लिए हम उनको कहाँ भेजेंगे उनको हम क्रेडिट पे भेजेंगे तो आप देख लीजिए कि ये तमाम एक्सपेंसेस गैसोलिन एक्सपेंस डिप्रिसिएशन एक्सपेंस रेंट एक्सपेंस सैलरीज एक्सपेंस जितने भी एक्सपेंस होंगे जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो डेबिट करते हैं लेकिन जब हम क्लोज करेंगे तो ऑपोजिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे यानी डेबिट वाले अकाउंट्स को हम रिकॉर्ड रिकॉर्ड करेंगे करेंगे क्रेडिट पे और डेबिट क्या हो जाएगा इनकम समरी अकाउंट हो जाएगा और इसी तरह अगर आप चेक कर लें तो ये डेबिट क्रेडिट एक्सपेंसेस के बराबर हो गए तो लेजर इनका क्या हो जाएगा नील हो जाएगा कोई इनका क्लोजिंग बैलेंस मौजूद नहीं होता तो एक्सपेंसेस चले गए आपके इनकम समरी में और आप देख लीजिए कि रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस करें तो ये 400 नेट इनकम आ गई अगेन नेट इनकम को हम किस में क्लोज कर देंगे रिटेन अर्निंग में क्योंकि अगर आपको याद हो स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग हमने बनानी सीखी थी तो वो किस में क्लोज हो गई थी वो हमेशा क्लोज हो गई थी यानी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो आता है वो रिटेन अर्निंग में क्लोज हो जाता है और आखिर में हम क्या करते हैं लास्ट में हमारे पास डिविडेंड्स होते हैं डिविडेंड्स बाय नेचर डेबिट होते हैं अगर हमने क्लोज करना है तो इनको हम क्रेडिट पे भेज देंगे तो आप चेक कर लीजिए कि डिविडेंड्स क्रेडिट पे चले गए और क्या चीज़ उसके अगेंस्ट डेबिट हो गई रिटेन अर्निंग डेबिट हो गई क्योंकि इनकम समरी और रिटेन अर्निंग जो है वो इनकम uh, समरी और डिविडेंड जो है वो रिटेन अर्निंग्स में क्लोज होते हैं रेवेन्यू और एक्सपेंसिस जो है वो इनकम समरी में क्लोज होते हैं इसी तरह ये डिविडेंड अकाउंट भी डेबिट क्रेडिट हो गया जीरो हो गया इसका कोई क्लो, क्लोजिंग बैलेंस नहीं आया नहीं। और जब आप चेक कीजिए कि हम आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो इसमें तमाम एसेट्स ओनर्स इक्विटी एका, अकाउंट्स मौजूद हैं और यहाँ पे कहीं पे भी आपके पास डिविडेंड्स मौजूद नहीं है कहीं पे भी रेवेन्यू मौजूद नहीं है और कहीं पे भी आपका क्या चीज मौजूद नहीं है एक्सपेंसेस मौजूद नहीं है क्योंकि ये तीनों चीजें रिटेन अर्निंग में ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी है और ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा टैली हो जाएगा तो अब हम इसकी प्रैक्टिस करके देखते हैं और प्रैक्टिस के लिए हमारे पास आ, मीक्स एंड मीक्स की बुक है जिसको हम विलियम झाका बैटनर की बुक भी कहते हैं इसके इसके लिए हमारे पास चैप्टर नंबर फाइव है और चैप्टर नंबर फाइव में ये आपके सामने प्रॉब्लम नंबर फाइव पॉइंट टू ए नजर आ रहा है अगर इस फाइव ए प्रॉब्लम देखें तो इसमें लिखा हुआ है प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से इनकम स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग और बैलेंस शीट बनाना है और उसके बाद क्या करना है लिखा हुआ है एंड क्लोजिंग एंट्रीज ऑफ ए प्रॉफिटेबल कंपनी यानी कि इस कंपनी का यकीन प्रॉफिट फाइंड आउट होगा और फिर उस प्रॉफिट का हमने क्या बनाना है उसके हमने uh, uh, यानी कि उनकी मदद से हमने क्लोजिंग एंट्रीज बनाना है इसी तरह जो हमारे पास प्रॉब्लम फाइव पॉइंट थ्री ए है इसमें क्या होगा इस कंपनी ये कंपनी आपकी अनप्रॉफिटेबल है यानी इसमें लॉस होगा तो इस लेक्चर में इस करंट लेक्चर में हमने प्रिपेयर करना है देखना है कि अगर प्रॉफिट आता है तो कैसे क्लोज करते हैं और अगर लॉस आता है तो भी हम कैसे उसको क्लोज करते हैं ये हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है सो uh, क्लास so आप uh, यहाँ पे अगर देखें तो वही ट्रायल बैलेंस जो है वो मैंने एक्सेल शीट पे कॉपी कर लिया है लॉन प्राइड इन कॉरपोरेशन और हम फिर इसी की अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं और इसमें हमारे पास मौजूद है साइमटेनियसली मैं आपको एक्सेल शीट भी शेयर करा देती हूँ एक बार आप वो भी देख लीजिए ये देखिए ये आपके सामने मौजूद है फाइव पॉइंट टू प्रॉब्लम ए और इसमें लिखा हुआ लॉन प्राइड इन प्रोवाइड लॉन मूविंग सर्विसेज टू बोथ कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल कस्टमर्स द कंपनी परफॉर्म एडजस्टिंग एंट्री ऑन मंथली बेसिस एंट्रीज आर प्रिपेयर एनुअली तो क्लास याद रखिएगा कि एडजस्टिंग एंट्रीज मंथली भी हो सकती हैं ईयरली भी हो सकती हैं लेकिन जो क्लोजिंग uh, एंट्रीज होती है, वो हमेशा ईयरली होती हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस यहाँ पे आपको दिया हुआ है ये आप चेक कर लें और इसका टोटल बैलेंस आ रहा है फोर जीरो सिक्स फाइव हंड्रेड रिक्वायरमेंट क्या है इसकी इंस्ट्रक्शन में पहली रिक्वायरमेंट है आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग बनानी है और बैलेंस शीट बनानी है ए पार्ट में बी पार्ट में क्लोजिंग एंट्री बनानी है और सी पार्ट में आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाना है और फिर हमने इसकी प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी को एनालाइज करना है तो हम एक्सेल शीट को अगर देखें तो एक्सेल शीट पे यहाँ पे वही ट्रायल बैलेंस हमारे पास मौजूद है हम सबसे पहले इसकी जो है इससे रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के देख लेते हैं क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड हैं तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले बना लेते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम सबसे पहले क्या बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं सो so क्लास सबसे पहले जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो इनकम स्टेटमेंट होती है हम कंपनी का नाम लिखेंगे लोन Pride हम कौन सी स्टेटमेंट बनाने लगे हैं इनकम स्टेटमेंट बनाने लगे हैं और ये है फॉर दीरियड एंडेड दिसम्बर थर्टी फर्स्ट ट्वेंटी इलेवन को हम ये बनाने लगे हैं इनकम स्टेटमेंट में अगर आपको याद हो तो हमारे पास क्या होता है हमारे पास रेवन्यूज होते हैं और इसमें से हम माइनस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सो अगर हम चेक करें हमारे पास जो ट्रायल बैलेंस मौजूद है इसको हम गौर से देखें तो हमारे पास रेवेन्यूज मौजूद है कौन कौन से रेवेन्यूज मौजूद हैं? रेवेन्यू के नाम पे हमारे पास आ, ट्रायल बैलेंस में चेक कीजिए मूविंग रेवेन्यू अर्न ये मौजूद है मूविंग रेवेन्यू अर्न तो हम यहां से आ, हम इनकम ले लेंगे मूविंग रेवेन्यू अर्न ये आपको दिया हुआ है तो रेवेन्यूज की जगह हम लिख लेते हैं कौन से हमारे पास रेवेन्यू है मूविंग रेवेन्यू अर्न अब देखिए यहाँ पे अनर्न मूविंग रेवेन्यू भी और हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अनर्न जो है वो आपका आ, जो रेवेन्यू होता है वो अनर्न होता है इस वजह से वो लाइबिलिटी होती है बाय नेचर क्योंकि रेवेन्यू इसके नाम के आगे लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि रेवेन्यू हो जाए अगर लिखा है तो वो लाइबिलिटी ही होगी तो मूविंग रेवेन्यू कितना दिया हुआ है वन लैख सेवेंटी थाउजेंड दिया हुआ है तो यहाँ पे हमने रेवेन्यू लिख लिया रेवेन्यू में से हम क्या चीज लेस करते हैं रेवेन्यू में से हम लेस करते हैं तमाम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो हम चेक करते हैं कि हमें कौन कौन से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं और हमें लाइन से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं दिस uh, वन देखें इंश्योरेंस uh, एक्सपेंस तो हम लाइन से लिखते जाते हैं इंश्योरेंस एक्सपेंस और इंश्योरेंस एक्सपेंस हम इनर कॉलम में लिख लेते हैं टोटल कर लेते हैं तो इंश्योरेंस एक्सपेंस कितना दिया हुआ है ये हमारा इनर कॉलम है हम इसमें लिखते जाते हैं सो इंश्योरेंस एक्सपेंस ट्वेंटी फोर हंड्रेड ये हमें दिया हुआ है ट्वेंटी फोर हंड्रेड दिया हुआ है ये आप चेक करें तो ये हमारे एक्सपेंसेस मौजूद हैं इंश्योरेंस एक्सपेंस ऑफिस रेंट सप्लाई सैलरीज डिप्रीसीशन रिपेयर फ्यूल मिसलेनियस ये सारे मौजूद हैं तो हम वन बाय वन यहाँ पे लिखते जाते हैं और वन बाय वन हम अब हमने इंश्योरेंस लिख, लिख लिया है नेक्स्ट कौन सा है ऑफिस रेंट एक्सपेंस है फिर सप्लाई एक्सपेंस है फिर सैलरी एक्सपेंस है किस पे लिया हुआ है ट्रक्स पे एंड देन अगेन डिप्रीसीएशन एक्सपेंस और ये डिप्रिसिएशन एक्सपेंस किसके ऊपर है पहला वाला ट्रक के ऊपर था तो दूसरा वाला मूविंग इक्विपमेंट पे है मूविंग इक्विपमेंट पे डिप्रिसिएशन के बाद हमारे पास है रिपेयर तो हम यहां पे लिख देंगे रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस then then we we have have fuel expense then we have expense income expense expense miscellaneous income income tax expense और interest expense हम बाद में लिखते हैं तो अब हमारे पास जो ऑफिस रेंट एक्सपेंस है वो चेक करें कितना आ रहा है सो ऑफिस रेंट एक्सपेंस हमारे पास थर्टी सिक्स थाउजेंड आ रहा है ये हमने थर्टी सिक्स थाउजेंड लिख लिया उसके बाद सप्लाईज एक्सपेंस फिफ्टी टू हंड्रेड आ रहा है और ये सारा लिखा हुआ है हम यहाँ से इसको देख के कॉपी कर रहे हैं एक्सपेंस थाउजेंड आ रहा है फिर आपके पास ट्रक का डिप्रीसी है थर्टी थाउजेंड और एक मूविंग इक्विपमेंट का डिप्रिसिएशन है फोर थाउजेंड ये सारा लिखा हुआ है रिपेयर एक्सपेंस है थ्री फ्यूल एक्सपेंस है फिफ्टीन और हमें क्या चीज नजर नहीं आ रही मिसलेनियस जो कि कितना है पांच हजार है तो मिसलेनियस हमने लिख दिया फाइव थाउजेंड और यहाँ पे हमने लिख दिया इसको तमाम एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे उसके बाद हम इसमें से लेस करेंगे क्या चीज हम इसमें से लेस करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस तो आपके पास आ जाएगा अर्निंग प्रॉफिट हम क्या करेंगे इसमें से लेस कर देंगे इनकम टैक्स तो फिर हमारे पास आ जाएगा नेट इनकम या नेट प्रॉफिट आ जाएगा अच्छा टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस माइनस करने से पहले हम इसको कहते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी ये डिडक्ट करने से पहले क्या हमारे पास अर्निंग थी तो हम वो देखेंगे अब आ, हमारे पास आप चेक करें अगर हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या, -क्या चीजें मौजूद है ये तमाम एक्सपेंसेस मौजूद हैं तो तमाम एक्सपेंसेस का अगर हम सम कर लेते हैं तो तमाम एक्सपेंसेस कितने आ रहे हैं वन फोर्टी वन ये हम माइनस कर देंगे वन फोर्टी वन फोर्टी सेवन थाउजेंड वन हंड्रेड हमने ब्रैकेट में क्यों लिखा है क्योंकि हम ये माइनस कर रहे हैं किसमें से हम ये माइनस कर रहे हैं रेवेन्यू में से माइनस कर रहे हैं तो इसको आप ऑपरेटिंग इनकम भी कह सकते हैं और इसको आप कह सकते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस भी इसमें दिया हुआ है हम माइनस कर देंगे और इंटरेस्ट एक्सपेंस कहाँ दिया हुआ है हम चेक करते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस मौजूद है इंटरेस्ट एक्सपेंस शो नहीं हो रहा हमारे पास जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है आप देख लीजिए थ्री थाउजेंड है तो हम यहां से माइनस कर देंगे थ्री थाउजेंड तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्योंकि इनकम टैक्स तो हम इंटरेस्ट तो uh, हम माइनस कर चुके हैं और सबसे लास्ट में हम क्या चीज माइनस कर देंगे सबसे लास्ट में हम टैक्स माइनस कर देंगे और टैक्स हमें कितना दिया हुआ है इनकम टैक्स कैलकुलेट करके हमें दिया हुआ है सिक्स थाउजेंड तो हम आखिर में सबसे माइनस कर देंगे सिक्स थाउजेंड तो हमारे पास जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है थर्टीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड और हम प्रैक्टिस के तौर पे इसको डबल लाइन से क्लोज कर देंगे सो so ये आपका था नेट प्रॉफिट अच्छा अब इसके बाद हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स और स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स के लिए हम हेडिंग्स वही लेते हैं हेडिंग्स क्या है आपके पास हम यहाँ पे लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट के बजाय हम लिख देंगे स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स अच्छा स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स का फॉर्मेट क्या है इसका फॉर्मेट ये है कि रिटेन अर्निंग्स का हम ओपनिंग बैलेंस लेते हैं इसमें हम ऐड करते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर प्रॉफिट फॉर द ईयर और हम इसमें से लेस करते हैं अगर कोई डिविडेंड्स मौजूद होते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है रिटेन अर्निंग का ओपनिंग के बजाय कौन सा बैलेंस आ जाएगा क्लोजिंग जो कि बैलेंस शीट में चला जाता है तो अब अगर हम यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे याद रखिएगा रिटेन अर्निंग का हम बैलेंस कौन सा लेते हैं जो ट्रायल बैलेंस में मौजूद होता है ये ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस कितना हो गया थर्टी थाउजेंड तो ओपनिंग बैलेंस हमने कहां से ले लिया ओपनिंग बैलेंस हमने ट्रायल बैलेंस से ले लिया ये रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस मौजूद था एड कर देंगे हम इसमें प्रॉफिट तो प्रॉफिट हमारे पास कितना आ रहा है हम यहाँ पे प्लस कर देंगे प्लस के साइन के साथ थर्टीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड जो हमने इनकम स्टेटमेंट से लिया है और हम माइनस कर देंगे लिखा हुआ है डिविडेंड्स 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 और dividends हमें हमें से मिलेंगे dividends हमें मिल जाएंगे ट्रायल बैलेंस से तो डिविडेंड्स कितने मौजूद हैं डिविडेंड्स हमारे पास मौजूद है फाइव थाउजेंड जो कि हम माइनस कर रहे हैं इसीलिए हमने इसको माइनस लिखा हुआ है और जब हम नेट बैलेंस कैलकुलेट करेंगे तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस और इसको हम डबल लाइन से क्लोज कर देंगे और रिटेन अर्निंग का नाइन हंड्रेड आ रहा है और सबसे लास्ट में हम क्या कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे सबसे लास्ट में हम बनाएंगे बैलेंस शीट सो क्योंकि ये सवाल की रिक्वायरमेंट थी अभी हमने पढ़ा था तो हम यहाँ पे बैलेंस uh, शीट हम इसको लिख देंगे या हम इसको लिख सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्योंकि बैलेंस शीट का दूसरा नाम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है और ये फॉर द पीरियड नहीं बनती है ये बनती है एज ऑन एज ऑन हम लिखेंगे दिसंबर थर्टी फर्स्ट टू थाउजेंड इलेवन और आपको पता है बैलेंस शीट के दो पार्ट होते हैं एक साइड पे तमाम एसेट्स आते हैं और दूसरी साइड पे लाइवलिटी एंड ओनर्स इक्विटी या इसको हम स्टॉक होल्डर इक्विटी भी कहते हैं so, assets आप देख लीजिए से हमारे पास यहाँ पे मौजूद है जो कि हम वन बाय वन यहां से कॉपी कर लेंगे ये मौजूद है कैश अकाउंट्स रिसीवेबल ये सारे यहाँ पे मौजूद हैं तो हम इसको यहां से एसेट्स uh, को तमाम हम यहाँ पे बैलेंस शीट में लिख लेते हैं यहां पे अब आप देख लीजिए ये हमने तमाम एसिड्स लिख लिए अब इनकी प्रेजेंटेशन का तरीका डिफरेंट है इनकी प्रेजेंटेशन का तरीका कैसे डिफरेंट है हम कैश अकाउंट्स रिसीवेबल इंश्योरेंस प्रीपेड सप्लाइज तक हम यहाँ पे लिखेंगे लेकिन जो हम ट्रक लिख रहे हैं तो ट्रक में से हम क्या माइनस कर देंगे ट्रक में से हम माइनस कर देंगे ट्रक का एक्यूमुलेटेड एक्यूमुलेटेड्रीएशन और ट्रक का जो एक्यूमुलेटेड एक्यूमुलेटेडियशन है वो कितना आ रहा है, 1, 20, 000, ये में है तो हमने यहाँ पे माइनस के साथ लिख दिया वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड सो जब हम ये ट्रक में से माइनस कर देंगे तो फिर हमें ट्रक की अमाउंट पता चलेगी और ट्रक की अमाउंट जो हमारे पास आ रही है इसको हम आउटर कॉलम में कर देते हैं ताकि हमारे पास जरा नीट एंड क्लीन बैलेंस शीट आ जाए जब आप इसको माइनस करेंगे यानी इसमें हम एक लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं ताकि प्रेजेंटेशन हमारी नीट एंड क्लीन हो अकाउंटिंग में जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन देते हैं आप उतने अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो 150 में से 120 माइनस करें तो आपके पास कितने बच जाएंगे आपके पास बच जाएंगे 30 थाउजेंड सो दिस थर्टी थाउजेंड इज deducting accumulated depreciation from trucks, ट्रक yani, truck में उसका depreciation minus करें तो आपके पास thirty thousand आ गया उसके बाद हमारे पास moving equipment है twenty thousand, इसमें से हम इसका depreciation माइनस करेंगे और आप चेक करें तो मूविंग इक्विपमेंट का depreciation ट्वेल्व थाउजेंड है ये सवाल में गिवेन है तो हमने यहाँ से कितना माइनस कर दिया हमने माइनस कर दिया ट्वेल्व थाउजेंड So, जब आप यहाँ पे हम इसको एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और जब आप 20 में से 12,000 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 8,000। उसके बाद आप तमाम एसेट्स को आ, थोड़ी स्पेस देके ऐड कर लें तो आपके पास टोटल एसेट्स आ जाएंगे और टोटल एसेट्स की आप यहाँ पे हेडिंग डाल दें टोटल एसेट्स सो टोटल एसेट्स आपके वन लैख थर्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड आ रहे हैं इसके बाद हम देखेंगे लाइबिलिटीज कौन कौन सी मौजूद हैं यानी जितने भी पेबल्स हैं तो हम लाइबिलिटीज की हेडिंग डालेंगे और हम लिक्विडिटी uh, वाइज लिखेंगे यानी सबसे पहले हम करंट लाइबिलिटीज लिखेंगे फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज लिखेंगे तो आप चेक कीजिए अकाउंट्स पेबल हमारी करंट लाइबलिटी है सैलरीज पेबल इंटरेस्ट पेबल इनकम टैक्स पेबल रेवेन्यू पेबल ये सारी आपकी करंट लाइबलिटीज हैं और उसके बाद आपकी जो नोट्स पेबल है ये आपकी लॉन्ग टर्म लाइबलिटीज है तो हम आप चाहे हेडिंग देके अलग अलग लिख लीजिए चाहे आप एक साथ लिख लीजिए तो हम यहाँ पे अः लाइबलिटीज लिखना शुरू करते हैं और हमारे पास सबसे पहले जो है लाइब्रिटी वो है अकाउंट्स पेबल तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अकाउंट्स अकाउंट्स पेबल पेबल सो जो हमारे पास है वो है आ, हम यहाँ हेडिंग डाल रहे हैं अकाउंट्स पेबल की फिफ्टीन हंड्रेड सो हमने यहाँ पे फिफ्टीन हंड्रेड लिख दिया अकाउंट्स पेबल उसके बाद नेक्स्ट लाइबिलिटी हमारे पास है सैलरीज पेबल फिर है इंटरेस्ट पेबल अच्छा सैलरी पेबल की अमाउंट हम साथ साथ लिख लेते हैं ये गिवन है नाइन हंड्रेड तो ये हमने नाइन हंड्रेड लिख दी इंटरेस्ट पेबल आपको 150 दिया हुआ है उसके बाद आपको इनकम टैक्स पेबल दिया हुआ है और इनकम टैक्स पेबल कितना दिया हुआ है वन जीरो फाइव जीरो ये हमने ट्रायल बैलेंस से लिख लिया फिर हमारे पास है मूविंग रेवेन्यू मैंने आपको अभी इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए बताया था कि जो मूविंग रेवेन्यू है ये आपकी लाइबिलिटी होती है ये इनकम नहीं होती और फिर उसके बाद हम हमारे पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो कि किस नाम से है नोट्स टेबल के नाम से वो हम लिख लेंगे आप चाहे हेडिंग दे के लिख लीजिए जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर फोर फोर में प्रैक्टिस की थी नोट्स पेबल ये देखे फिफ्टीन फिफ्टी थाउजेंड मौजूद है तो यहाँ पे हमने लिख लिया नोट्स थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड तमाम लाइबिलिटीज को हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास जो टोटल लाइबिलिटीज आ रही है यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे टोटल लाइबिलिटीज जो कि कितनी आ रही है फिफ्टी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये हम लिख लेंगे और टोटल लाइबिलिटीज के बाद हमारी हेडिंग आती है ओनर्स इक्विटी इसको आप स्टॉक होल्डर इक्विटी भी लिख सकते हैं और इसमें दो ही चीजें होती हैं कैपिटल स्टॉक और रिटेन अर्निंग्स सो कैपिटल स्टॉक और रिटेन अर्निंग्स हम देख लेते हैं कैपिटल स्टॉक आपको कितना दिया हुआ है कैपिटल स्टॉक ये देखिए ये आपको दिया हुआ है ट्वेंटी थाउजेंड तो कैपिटल स्टॉक हम यहाँ पे कितना लिख लेंगे ट्वेंटी थाउजेंड और आपने याद रखना है रिटेन अर्निंग्स हम ट्रायल बैलेंस वाला नहीं लेंगे बल्कि रिटेन अर्निंग्स हम स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स वाला लेंगे यानी कि हमने जो स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स बनाई थी उसका हम लेंगे जो कि कितना आ रहा है 38,900 एट so, थाउजेंड सो जब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल इक्विटी जो कि आ रही है 58,900 और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनली टोटल एसेट्स आ जाएंगे जो कि इक्वल आने चाहिए और जो कि आप चेक कर लीजिए इक्वल आ रहे हैं तो इसको हम डबल लाइन से क्लोज कर देंगे तो हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाएगी दोनों तरफ हम डबल लाइन से क्लोज कर देंगे इसी वजह से हम इसको बैलेंस शीट कहते हैं क्योंकि दोनों साइड बैलेंस आ रही है इसको हम कहेंगे टोटल लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी और दोनों साइड आप चेक कर लीजिए कि ये हमारी क्या आ रही है बैलेंस आ रही है इसको हम थोड़ा सा और एक एक लाइन यहाँ पे लगा देंगे ताकि ये जरा और नीट नजर आए सो दैट्स व्हाट ये हमारी क्या थी बैलेंस शीट इन यानी कि ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी उसके बाद अभी हमने जैसे कि डिस्कस किया था स्लाइड में एट द स्टार्ट के हम क्या बनाते हैं उसके बाद हम बनाते हैं क्लोजिंग एंट्रीज तो हम देखते हैं कि क्लोजिंग एंट्रीज क्या होती हैं और उनको हम कैसे बनाते हैं मैंने आपको कहा था हम चार अकाउंट क्लोज करते हैं कौन कौन से चार अकाउंट क्लोज करते हैं हम सबसे पहले क्लोज करते हैं रेवेन्यू को सो so, रेवेन्यू आप देखें बाय नेचर अकाउंट कौन सा है ये रेवेन्यू मौजूद है ये यहाँ पे चेक करें तो बाय नेचर ये क्रेडिट पे है तो इसको क्लोज करने के लिए हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे इसको आ, अच्छा ये मैं आप हाइड कर देती हूं ताकि हमें जो है वो क्लियर नजर आए अब हमारे पास क्लोजिंग एंट्री आ गई तो क्योंकि रेवेन्यू अकाउंट आप चेक करें ये क्रेडिट है खत्म करना होगा तो कहां भेज देंगे डेबिट पे तो हम यहां पे लिख देते हैं कौन सा रेवेन्यू अकाउंट है मूविंग मूविंग रेवेन्यू तो इसको हमने क्लोज करने के लिए कहाँ पे भेज दिया इसको क्लोज करने के लिए हमने डेबिट पे भेज दिया आप चेक करें कि ये अकाउंट ऑलरेडी क्रेडिट पे मौजूद है क्लोज करने के लिए डेबिट पे और इसको हम किस में क्लोज करेंगे इसको हम क्लोज करेंगे इनकम समरी में इनकम समरी अकाउंट में हम इसको क्लोज कर देंगे तो रेवेन्यू बाय नेचर क्रेडिट था खत्म करना है तो कहाँ पे भेज देंगे डेबिट पे भेज देंगे तो ये आपकी थी पहली क्लोजिंग एंट्री दूसरी क्लोजिंग एंट्री हम किसकी बनाते हैं एक्सपेंसेस की बनाते हैं तो एक्सपेंसेस तमाम बाय नेचर कौन से अकाउंट अकाउंट होते होते हैं होते हैं डेबिट तो इनको अगर हमने खत्म करना होगा ये देखिए सारे डेबिट पे लिखे हुए ट्रायल बैलेंस के डेबिट पे लिखे हुए तो इनको अगर हमने खत्म करना होगा तो इनको हम कौन से अकाउंट में हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे इनको हम क्रेडिट uh, पे रिकॉर्ड करेंगे तो ये सारे अकाउंट हम देख लेते हैं हमारे लाइन से कौन कौन से मौजूद हैं अच्छा तो डेबिट क्या करेंगे फिर डेबिट हम करेंगे इनकम समरी अकाउंट में क्योंकि इनकम समरी अकाउंट हमारा आ, हम एक्सपेंसेस को इनकम समरी में क्लोज करते हैं तो लाइन से ये जितने आपके एक्सपेंसेस मौजूद हैं सबसे पहले है इंश्योरेंस एक्सपेंस क्योंकि बाय नेचर ये डेबिट था तो क्लोज करने के लिए हमने इसको कहाँ भेज दिया क्रेडिट पे भेज दिया इसी तरह हम वन बाय वन चेक करते जाते हैं अब देख लीजिए इंश्योरेंस के बाद हमारे पास है ऑफिस रेंट तो ये भी हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे ये भी हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट पे ऑफिस रेंट एक्सपेंस और इसकी अमाउंट कितनी है थर्टी सिक्स थाउजेंड और इसको हम कहाँ रिकॉर्ड क्योंकि डेबिट पे तो ये लिखा हुआ है तो हम इसको क्लोज करने के लिए क्रेडिट पे लिखेंगे उसके बाद नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट हमारा है सप्लाईज एक्सपेंस एंड सैलरीज एक्सपेंस वन बाय वन हम लिखते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं सप्लाईज एक्सपेंस और फिर हमारे पास है सैलरीज एक्सपेंस इनकी अमाउंट कितनी है सप्लाईज एक्सपेंस आपकी फिफ्टी टू हंड्रेड है हम क्लोज करने के लिए क्रेडिट पे लिख देंगे इसी तरह सैलरीज uh, एक्सपेंस आप चेक करें थाउजेंड है तो क्लोज करने के लिए हम इसको क्रेडिट कर देंगे सिक्सटी थाउजेंड उसके बाद आपके पास मौजूद है डिप्रिसिएशन एक्सपेंस ट्रक का और डिप्रिसिएशन एक्सपेंस मूविंग इक्विपमेंट का हम दोनों यहाँ पे क्रेडिट पे कॉपी कर लेंगे एक्सपेंस ट्रक्स के लिए और फिर है हमारे पास डिप्रीसिएशन एक्सपेंस ट्रक के बाद किसके ऊपर है मूविंग इक्विपमेंट के ऊपर है और इनकी अमाउंट क्योंकि डेबिट है तो हम क्लोज करने के लिए इसको क्रेडिट पे भेजेंगे ये थर्टी थाउजेंड ये मौजूद है आप चेक कर लें और ये फोर थाउजेंड मौजूद है ये हमने एज इट इज कॉपी कर लिया और फिर रिपेयर फ्यूल एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी मौजूद हैं तो हम इनको क्रेडिट पे भेज देंगे रिपेयर एक्सपेंस फिर हमारे पास है फ्यूल एक्सपेंस फिर हमारे पास है मिसलेनियस एक्सपेंस और आप इनके अमाउंट देख लीजिए थ्री थाउजेंड फिफ्टीन हंड्रेड और फाइव थाउजेंड तो हम यहाँ पे लिख लेंगे थ्री थाउजेंड फिफ्टीन हंड्रेड फाइव थाउजेंड ये हमने लिख लिया उसके बाद आप चेक करें हमारे कौन कौन से एक्सपेंस रह गए इंटरेस्ट एक्सपेंस और इनकम टैक्स एक्सपेंस रह गया है वहां पे वो ट्रायल बैलेंस में डेबिट पे मौजूद है तो एंट्री में हम उसको क्रेडिट पे लिख रहे हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस और फिर हमारे पास है इनकम टैक्स एक्सपेंस और ये कितना कितना मौजूद है थ्री थाउजेंड और सिक्स थाउजेंड ये देखें लिखा हुआ नजर आ रहा है तो ये थ्री थाउजेंड हमने लिख लिया और ये सिक्स थाउजेंड लिख लिया अब हम डेबिट क्या करेंगे इन सब को हम ऐड कर लेते हैं और जितनी अमाउंट आ रही है वो इनकम समरी में एक ही बार डेबिट हो जाएगी यानी कि ये आ रही है वन फिफ्टी सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड तो ये हमने डेबिट कर दिया तो so, आप चेक कर लीजिए हमने क्या किया सबसे पहले हमने रेवेन्यू को क्लोज किया क्यूँकि रेवेन्यू बाय नेचर क्रेडिट था तो खत्म करने के लिए क्लोज करने के लिए हमने उसको कहां भेज दिया डेबिट पे भेज दिया और किस में हमने क्लोज किया उसको हमने इनकम समरी में क्लोज किया दूसरी एंट्री होती है एक्सपेंसेस को हम क्लोज करते हैं तो तमाम एक्सपेंसेस ये चेक कर लें डेबिट कॉलम में लिखे हुए हैं बाय नेचर भी डेबिट होते हैं क्लोज करने के लिए हमने उनको किस कॉलम में भेज दिया क्रेडिट कॉलम में भेज दिया और उसको किस अकाउंट में क्लोज किया उसको इनकम समरी अकाउंट में क्लोज किया अब देखिए ये आपका रेवेन्यू है वन लैख सेवेंटी थाउजेंड और आपकी जो टोटल एक्सपेंसेस हैं उनकी समरी अकाउंट क्या आ रही है उनकी समरी अकाउंट आ रही है वन लैख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड यानी कि तमाम रेवेन्यूज में से तमाम एक्सपेंसेस माइनस करें तो हमारे पास डिफरेंस क्या आ रहा है हमारे पास डिफरेंस जो आएगा जितनी भी अमाउंट आएगी वो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा यानी वन लैख सेवेंटी थाउजेंड में से अगर आप माइनस करें वन फिफ्टी सिक्स 100 तो प्रॉफिट क्या आ रहा है 13900 आ रहा है और अभी हमने स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स बनाई थी अगर आप चेक करें मैं आपको यहाँ पे अनहाइड करके दिखाती हूँ तो जो हमने स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स बनाई थी अगर आप चेक कर लें तो ये हमारा प्रॉफिट आ रहा है 13900 जो कि हमारा रेवेन्यू में से तमाम एक्सपेंसेस माइनस करके आ रहा है उसके बाद रिटेन अर्निंग्स आप चेक कीजिए कि हमने प्रॉफिट जो है वो ऐड कर दिया था रिटेन अर्निंग में तो इसका मतलब है कि इनकम समरी किस में क्लोज हो जाएगी इनकम समरी रिटेन अर्निंग्स में क्लोज हो जाएगी अब आप देखिए इनकम समरी अकाउंट डेबिट में कम है इनकम समरी अकाउंट क्रेडिट में कम है दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो प्रॉफिट है और वो 13900 आ रहा है यानी कि अगर आप यूं कहें कि इनकम समरी क्रेडिट और इनकम डेबिट इनको आपस में कैंसल आउट करना चाहें या इनको आपस में माइनस करना चाहें तो थर्टीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड आ रहा है क्रेडिट साइड पे हेवियर बैलेंस आ रहा है तो हेवियर बैलेंस अगर क्रेडिट साइड पे आ रहा है इसका मतलब है कंपनी इज प्रॉफिटेबल कंपनी प्रॉफिटेबल का मतलब है रिटेन अर्निंग्स बढ़ जाएगी और रिटेन अर्निंग बाय नेचर क्रेडिट होता है तो रिटेन अर्निंग क्या हो जाएगी बढ़ जाने का मतलब है रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट हो जाएगी प्रॉफिट की अमाउंट से थर्टीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड से और डेबिट क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा आपका इनकम समरी अकाउंट जो कितना आ रहा है थर्टीन थाउजेंड 900 हंड्रेड से तो अब अगर आप चेक कर लें तो इनकम समरी अकाउंट कंप्लीटली खत्म हो गया और किस में खत्म हो गया रिटेन अर्निंग में किस तरह खत्म हो गया के जितना सबसे पहली एंट्री में इनकम अकाउंट क्रेडिट पे है दूसरे में डेबिट पे है तीसरे में भी डेबिट पे है तो जो डेबिट डेबिट ऐड करेंगे तो वो क्रेडिट वाले के बराबर होगा तो ये रिटेन अर्निंग में क्लोज हो गया और आखिरी चीज जो हम रिटेन अर्निंग में क्लोज करते हैं वो डिविडेंड्स क्लोज करते हैं तो आप चेक करें डिविडेंड्स बाय नेचर आपका क्या है डेबिट आइटम है तो उसको हमने क्लोज करना है तो हम उसको किस में क्लोज करेंगे उसको क्लोज करने के लिए हम उसको क्रेडिट पे ले जाएंगे तो डेबिट क्या करेंगे डेबिट हम कर देंगे रिटेन अर्निंग्स को और यहां पे हम लिख देंगे डिविडेंड्स और कितना हमारा डिविडेंड है फाइव थाउजेंड का हमें डिविडेंड मिला हुआ है तो ये थी हमारी चार क्लोजिंग एंट्रीज हम सबसे पहले रेवेन्यू को क्लोज करते हैं फिर तो हम एक्सपेंसेस को क्लोज करते हैं और इन दोनों को हम क्लोज करते हैं इनकम समरी अकाउंट में जो तीसरी और चौथी एंट्री है वो हम क्लोज करते हैं रिटेन अर्निंग्स में तीसरी एंट्री में हम इनकम समरी अकाउंट को क्लोज कर देते हैं रिटेन uh, में और चौथी एंट्री में हम को कर देते हैं, में तो टेम्परेरी अब हम क्या बनाएंगे अब हम बनाएंगे आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस सो आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में अगर हम देखें तो हम रिटेन अर्निंग्स तक तमाम चीजें यानी कि हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे तो अब अगर आप देखें हमारा जो आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस आ रहा है ये तमाम एसेट्स आ गए तमाम लाइबिलिटीज आ गई और ओनर्स इक्विटी आ गई लेकिन यहाँ पे जो हमारा रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस आएगा वो रिटेन अर्निंग का बैलेंस कौन सा आएगा जो स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग का है थर्टी एट थाउजेंड नाइन हंड्रेड तो यहाँ पे जो हम रिटेन अर्निंग का बैलेंस लिखेंगे वो हम कौन सा लिखेंगे ये देखें अभी आपका बैलेंस टैली नहीं हो रहा है तो अगर हम रिटेन अर्निंग का यहाँ पे लिख दें थर्टी एट थाउजेंड नाइन हंड्रेड तो आप चेक करें हमारा जो ट्रायल बैलेंस है उसका बैलेंस भी टैली हो गया सो ये हमारा था आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस जिसमें से तमाम टेम्परेरी अकाउंट्स क्या हो चुके हैं क्लोज हो चुके हैं और ये जो हमारी एग्जाम्पल थी 5.2 पॉइंट टू ए ये प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की एग्जाम्पल थी यानी कंपनी ने अगर प्रॉफिट बनाया है तो उसको हमने कैसे क्लोज किया है तो इस लेक्चर में हमने देखा कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाते हैं और अगर एग्जाम में आपसे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना भी मांगी हो यानी हमने ये स्टेटमेंट ना भी बनाई हो हम इनको हाइड कर देते हैं तो आप फिर डायरेक्ट क्या बना सकते हैं आप डायरेक्ट क्लोजिंग एंट्रीज बना सकते हैं हमने क्लोजिंग एंट्रीज बनाई और उसके बाद फिर जब आप आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो रिटेन अर्निंग का बैलेंस निकालने के लिए आपको रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी तभी आपका ट्रायल बैलेंस टैली होगा सो so, इस लेक्चर में Uh, मैंने आपको शुरू में बताया था कि ए हम दोनों करेंगे लेकिन क्योंकि लेक्चर थोड़ा टाइम uh, इसका ज्यादा हो गया है तो मैं एक साथ आपको uh, 5.3 ए का uh, एक और लेक्चर में ऐड करती हूँ दूसरे uh, उसमें तो आप देख लीजिएगा कि उसमें उसमें ये है कि अगर एक नॉन प्रॉफिट या लॉस में अगर ऑर्गेनाइजेशन uh, लॉस में जाए तो फिर उसमें क्लोजिंग एंट्री में क्या चेंजेस आती है और आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में क्या फर्क आता है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम 5.3 ए इस लेक्चर के लिए इतना ही काफी है टेक केयर क्लास